हम तेरे बंदे हैं और तू हमारा मालिक है मेरे मौला। बच्चा हमें गुनाहों से सीधी राह पे चलना आसान फरमा मेरे आका। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज अपनी सिलाई क्लास का 49वां दिन है, पार्ट 2। पिछले वीडियो में हमने सादा शो बटन बनाना सीखा और आज हम डिजाइनर बटन बनाना सीखेंगे जिसमें मल्टी कलर होंगे। अगर प्लेन सूट भी है तो उसमें भी यही कलर का अच्छा लगता है, अपोजिट कलर हो तो बहुत अच्छी बात है। तो इसके लिए आप चाहे तो पैसे ले सकते हो, कोई पुराना सिक्का, कोई बटन ले सकते हो जो बड़ा वाला हो जरा, या फिर ऐसे गोली का पत्ता भी ले सकते हो। ये देखिए, हमने इसमें से एक गोली काट कर निकाली है। ये देखिए, ये चौड़ाई में भी इसका डबल है, इसके लंबाई में भी डबल है। तो ये ऐसे हमने चार कलर के अलग अलग टुकड़े निकाले हैं। ये 2x2 इंच के चार कलर के चार कपड़े हैं ये। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सीधे कपड़े हैं तो अंदर रखिए ऐसे, और ये दोनों उल्टे बाहर हो। हमको इसमें सिलाई आधा इंच दूरी पर लगानी है। आप चाहे तो इसमें डबल सिलाई लगा सकते हो आप। अब ये इनको हमको ऐसे खोलकर प्रेस करना है। ये आधे इंच से ज्यादा चौड़ाई रखिए आप, क्योंकि बटन ये अस्तर के तौर पर रहेगा। ये पीछे वाला जो हम मार्जिन रख रहे हैं ना, तो इसे अस्तर की तरह यूज करेंगे। आप इसमें इस तरह ही लगा लें या फिर ऐसे नाखून से प्रेस कर लें। आप 2.5-3 इंच चौड़ान रख सकते हो ये कपड़ों की, आपके बटन के हिसाब से रखिए। अब इसको प्रेस करने के बाद चाहे तो आप नाखून से प्रेस कीजिए या फिर इस तरह लगाइए। इसके बाद में हमको इसको ऐसे सीधा रखना है, इसके ऊपर इसको ऐसे उल्टा रखना है। थोड़ा इसका कॉम्बिनेशन का भी ध्यान रखिएगा, ये डार्क के जगहों पे ये जरा फिक्का या ऐसे जरा। अगर आपको कलर की पहचान है, समझ है, तो बहुत अच्छी बात है। ये सेंटर ध्यान नजर रखिए, इसने ऊपर नीचे नहीं होना। ये देख रहे हो, अभी अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो ना, तो आप टाका बड़ा कर लीजिए, अगर गलत आ जाए तो खोलने में आसानी हो। और जब अगर सही आ जाएगा तो उसके ऊपर एक बारीक टाके की सिलाई लगा लीजिएगा। ये देखिए, बराबर ये 20 सेंटर पर हमारी सिलाई आई है। अगर ये कभी आगे पीछे हो जाए ना, तो ये बड़ा टाका अगर है तो इसको खोल सकते हैं। अगर सही आ जाए तो इसके ऊपर आप फिर सिलाई कर लो एक बारीक टाके की। ये दोनों भाग को हम अलग अलग कर लेंगे ऐसे, फिर इसको बीच में से प्रेस कर ले। अब इस गोली के पत्ते को हम गोल आकार देंगे। आपकी मर्जी, आप जिसका बनाना चाहो, चाहे तो आप पुराने सिक्के का बना सकते हो, कोई बड़ा सा बटन ले, बराबर गोल काटे इसको। थोड़ा सा हमने इसको बाहर निकलता हुआ काटा। देखिए, ये डोंगा हिस्सा है ना, इसको नीचे रखना है, ये कटोरी टाइप को ऊपर रखना है ऐसे। ये खाली वाला हिस्सा ऊपर है। अब इसको सब तरफ से हम ऐसे ऐसे गोल कर लेना है। जब हम गोल करेंगे ना, तो इस बात का ध्यान रखिए कहीं से ये कोई बड़ा ना हो जाए, कोई छोटा बड़ा ना हो जाए। सबको ऐसे बराबर ही रखना है हमको। ये देखिए, ये हमने धागा लिया, इसको ऐसे अंगूठे में दबाना है यहाँ पर नीचे, फिर इसको पूरा ऐसे गोल 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 लपेटना है। इसके बाद यहाँ से दो उंगली ऐसे डालना है। अब जिस तरह से फांसा लगा सकते हो लगाइए, ज्यादा जोर से ना खींचे, तागा बीच में से धागा ना टूट जाए खादा। ऐसे 8-10 बार ऐसे फेरा दीजिए, क्योंकि ये हमारा धागा एक हीरी है। अगर आप धागा कभी 2 से 4 हीरी कर रहे हो ना, तो इतना ज्यादा पक्का करने की जरूरत नहीं है। ये एक हीरी धागा ली हूँ इसलिए कि इसकी गांठ मोटी ना हो जाए पीछे से। हम 4 हीरी का धागा लेते हैं फिर गोल करते हैं, तो उसका गांठ जरा ज्यादा मोटी हो जाती है, वो बटन जरा उचकता है। इसको टाकने का तरीका भी मैं आपको दिखाती हूँ अभी। अब हमने ये इस धागे को तोड़ दिया। अभी जो हमारा ये कपड़ा बचा है ना, तो इसको ऐसे काट लेना है, थोड़ा सा कपड़ा ऐसे छोड़ के, टू कट ना काटे। अब ये जो है गिट, ये जो उठे हुआ हिस्सा है ना, तो ये ऐसे अंदर चल जाएगा। इसमें से गोली निकली भी ना, डोंगा हिस्सा है अंदर। ये मैंने पैसे से बनाई हूँ, इसका जो है तो ये पीछे का मार्जिन ये ऐसे उठ जाता है, ऐसे देख रहे हो आप, ये ऐसे उठ जाता है। और ये है तो गिट है, तो ऐसे अंदर चल जाती है। अगर इस बटन को आप सिर्फ शो के तौर पे लगा रहे हो ना, तो इसको टाकने का तरीका अलग है। ये देखिए, यहाँ से पहले ये अंदर से लेगी, गिट अंदर चल जाएंगी। हमने ये 2 हीरी धागा पुराए हैं, 2 में हमने गांठ लगा लिए, 2 खुला छोड़ दिया है ऐसे। अब इसके बाद इसको कोर से लेना है ऐसे पूरा बारीकी से। हम तुरपे लगाते है ना, बस ऐसे लेते चलना है, तो सब तरफ से गोल ले। अब इसको यहाँ पर पक्का कर लेना है, फिर ऐसे नीचे सुई डाल दें, फिर यहाँ पीछे से पक्का कर। ये देखिए, हमारा बटन सब तरफ से पूरा गोल अटैच हो चुका, यहाँ से पक्का करके काट लें। ये देखिए, ये बटन पूरा गोल सब तरफ से अटैच हो गया है। अब इसके बाद हम अगर डोरी अगर लगा रहे हैं ना, ये हम काज बटन की तरह इसको यूज करते हैं ऐसे। देखिए, ऐसे यह काज पट्टी होती है, ये बटन के तौर पे हम इसको लगाते हैं। वो तरीका मैं आपको दिखाऊंगी।
ये बटन टाकने का तरीका देख लो आप। तो इसको कैसे टाकोगे आप? इसको सिर्फ बीच में से गुताना है। हमने दो हीरी धागे लिए हैं, ये ऐसे हमने सब मिलाकर चारों को मिलाकर गीट लगा ली। अब इसके बाद ये इसको पहले ऐसे नीचे से सुई डालना है, ऐसे इसको ऐसे गुताना है। अब इसके बाद इसको ऐसे औंधा कर लेंगे हम। अब पूरे टाके हम पीछे से लगाएंगे, ये ऐसे। ये जो बीच का हमने जो गूंज है ना, ये जिसको हमने ऐसे काट के निकाल लिया था कपड़ा, जो एक्स्ट्रा मार्जिन जो है, इसको हमको सब तरफ से ऐसे पक्का करते हुए पूरा गोल करना है सब तरफ से। तो हमने इसको सिर्फ ये जो मार्जिन था ना, इसको पक्का किया। अब ये देखिए, ये दोरी वाला है बटन, जिसके लिए ऐसा उचकने वाला ही बटन चाहिए। तो इसमें चाहे आप रिटायर बटन है तो इसमें हम डाले, या फिर सिक्का डाले पुराना। हमने इसको गोली के पत्ते से बनाया। आप चाहे तो कोई बॉटल का गोल काट के आप बना सकते हो, वो तरीका मैं आपको दिखाऊंगी। उसमें तो रुई कपास डालना पड़ती है। तो ये था हमारा आज का फैंसी बटन का स्टाइल। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको जरूर पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह तबारक तआला अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।